हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ विद आईएएस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने के मुद्दे पर काफ़ी लोगों में भ्रम की स्थिति है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर खुलेंगी और कौन कौन सी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कई जगहों पर उन दुकानों के भी खोले जाने की सूचना मिली है जिन्हें अनुमति नहीं मिली है। यही वजह है कि दुकानों के खुलने को लेकर भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाज़त नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। ये भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही दरअसल ये भ्रम पैदा हो गया था कि ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है, मगर अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नए आदेश में खास तौर पर कहा गया है कि जैसा कि समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हों, जिन्हें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी किसी भी शहरी या ग्रामीण इलाके वाले हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा था कि नगर निगमों में दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। ये छूट संक्रमण के प्रति अप्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50% कर्मचारी काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा का बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे।